भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ग्राम पंचायत कुठेड़ा में लाखों रुपए के उद्घाटन बाद शिलान्यास करने के बाद सुभाष ठाकुर ने आयोजित जनसभा में कहा कि कुठेड़ा में जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खुलवाया ताकि लोगों को इस विभाग से संबंधित अपने कामों को करवाने की सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुठेड़ा के भवन को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 3,66,25,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसका विधिवत रूप से शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने ग्राम पंचायत कुठेड़ा के एक दिवसीय दौरे के दौरान 84,25,000 से निर्मित होने वाले संपर्क मार्ग मसौर मटियाल का भूमि पूजन किया तथा कुठेड़ा में सामुदायिक शेड व 6.5 लाख रुपए से निर्मित हुए पशु औषधीय कुठेड़ा के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद 2,05,00,000 रुपए से निर्मित होने वाले सीएससी कुठेड़ा के भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का सपना ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करवाना है ताकि लोगों को घर के नज़दीक हर सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए क्षेत्र की जरूरत के अनुसार सड़क, पेयजल व शिक्षा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। रोड की लागत से बन रही है और उसी तरह से आपका एक शेड था उसका लोकार्पण किया गया। यहाँ पर वेटरनरी का जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग का लोकार्पण, उसी तरह से आज जो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सीएससी, यह भी 5,00,00,000 की राशि यह कुठेड़ा वासियों को दी गई है, उसका शिलान्यास हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए सदर मंडल के महामंत्री श्री पवन जी, उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मली, जिला परिषद के सम्माननीय सदस्य श्रीमती बिमला देवी जी, इस पंचायत के सम्माननीय प्रधान श्री ज्योति प्रकाश जी और हमारे इसी पंचायत कुठेड़ा पंचायत के उप प्रधान आदरणीय होशियार सिंह जी है। इनके लिए आपके कुठेड़ा के यहाँ से पूर्व में राजेश जी यहाँ से बीडीसी मेंबर रहे, रिशु जी मेंबर रहे, उर्मला जी मेंबर रहे, आप सभी का आग्रह होता था कि ये हॉस्पिटल है, शायद डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर भवन की आवश्यकता है, क्वार्टर्स नहीं है। ये भवन और क्वार्टर्स के लिए 5,00,00,000 रुपए की राशि दी गई है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पीने के पानी की यहाँ दिक्कत होती थी, किल्लत होती थी, 80,00,000 की लागत से आपको नई स्कीम और उससे आपको पीने का पानी यहाँ पर मिलता है, उसको मैं आपको। कांग्रेस के लोग नगरोटा भगवा ले गए थे, हमने आपसे कहा था कि यहाँ बिल्डिंग भी बनाएंगे, क्लासे भी लगाएंगे, ये नगरोटा भगवा से बंदला में बिलासपुर में लेके आएंगे। आज 16 नवंबर से वहाँ बिल्डिंग बन गई है, क्लास एडमिशन शुरू हो गई है, 1 सितंबर से वहाँ पर 1,000 स्टूडेंट वहाँ से आके बंदला में आ गया है, इसका भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी सितंबर अंत में आके इसका भी लोकार्पण करेंगे। हिमाचल फर्स्ट के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।